हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का साइंस। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ग्रोविंग प्लांट्स। प्लांट्स कैसे ग्रो करता है उसके बारे में हमें जानना है। प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, प्लांट्स किस किस वे में ग्रोथ करता है, कौन कौन से स्टेप को अपनाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लांट्स के ग्रोविंग के बारे में तो ये लेसन फर्स्ट है। आते हैं हम लोग टॉपिक पे। यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ है कि प्लांट्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। बच्चों सभी को पता है कि प्लांट्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। विदाउट प्लांट्स का हमें ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है। प्लांट्स ही एक ऐसे डिवाइसेस हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करने का वर्क करता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि वी ऑल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स टू सर्वाइव। हर कोई, हर चीज़ किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। दे हेल्प अस इन मेनी वेज। ये हमें कई तरह से मदद करता है। दे गिव अस फूड टू ईट। हमें भोजन के लिए, खाने के लिए फूड देता है। उसके बाद मेडिसिन टू क्योर। अगर हम कोई डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो उससे क्योर होने के लिए मेडिसिन मिलता है। ब्रीदिंग के लिए हमें ऑक्सीजन देता है। एंड क्लोथ्स के लिए फाइबर देता है। देयरफॉर इसीलिए प्लांट्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा गया है? ग्रीन फ्रेंड्स कहा गया है। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। कह रहा है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। विदाउट प्लांट्स का हम लोग नहीं रह सकते हैं इस अर्थ पे, सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्लांट्स क्या है? नेसेसरी है। सो वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एंड शुड टेक केयर ऑफ देम। कह रहा है कि इसीलिए हम लोगों को ये होना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक प्लांट का ग्रो करें, जितना अधिक से अधिक प्लांट को लगाएं और उसका केयर करें, देखभाल करें, जो हमें इतने सारे चीज़ देते हैं। कौन देते हैं? प्लांट्स देते हैं। प्लांट्स से हमें मिलता है डिफरेंट डिफरेंट वे में। इसीलिए हमें जितना अधिक से अधिक हो प्लांट्स लगाना चाहिए। मोर प्लांट्स वुड मीन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स टू मीट आवर नीड्स। कह कि जितना अधिक हम प्लांट्स लगाएंगे उतना वे में हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है प्लांट्स से मिलेगा। फूड मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, क्लोथ मिलेगा। तो यहाँ पिक्चर में देखो, कॉटन प्लांट से मिलता है। ग्रेन्स एंड फल्सेस जो हम लोग भोजन में यूज करते हैं, फूड में, वो प्लांट्स से मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लांट्स से मिलता है। शुगर एंड टी प्लांट्स से मिलता है। मेडिसिन एंड ऑयल प्लांट से मिलता है। वुड, जिस डिफरेंट डिफरेंट फर्नीचर्स हम बनाते हैं वो भी प्लांट्स से मिलता है।